मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बंद की गई राजधानी परियोजना प्रशासन यानी सीपीए को पुनः सक्रिय करने का निर्णय लिया है। शिवराज सिंह चौहान ने 2021 में अपनी सरकार के दौरान इस संस्था को बंद कर दिया था, लेकिन अब मोहन यादव इसे फिर से शुरू करने की प्रक्रिया में। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में राजधानी भोपाल की सड़कों, पार्कों और अन्य विकास कार्यों की जिम्मेदारी संभालने वाले सीपीए को अगस्त 2021 में बंद कर दिया गया था। यह निर्णय बदहाल सड़कों की समस्या के मद्देनजर लिया गया था। अप्रैल 2022 में सीपीए को भंग कर दिया गया और इसकी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी और वन विभाग को सौंप दी गई थी। उन्होंने केंद्रीय आवास वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीपीए को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से इस संस्था को फिर से सक्रिय करने और तकनीकी सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और सीपीए को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया, ताकि भोपाल शहर में सड़कों, पार्कों और भवनों के निर्माण और रखरखाव में यह संस्था फिर से योगदान दे सके। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस संबंध में राज्य सरकार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।